हेलो दोस्तों, स्वागत है आज के इस वीडियो में आपका। दोस्तों, आज हम एक ETF के बारे में बात करेंगे। ETF एक काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट का एक ज़रिया है, जो बिगिनर्स है, जो नए हैं बच्चे, जो लड़के नए हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए स्टॉक मार्केट में आते हैं, वो कंफ्यूज रहते हैं कि कौन से सेक्टर का कौन सा स्टॉक। जैसे सेक्टर डिसाइड कर लेते हैं, स्टॉक डिसाइड नहीं कर पाते हैं, और स्टॉक जो अच्छे हैं वो महंगे हैं, तो कौन से स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करें। तो उनके लिए एक मैं खास करके एक ETF लाया हूँ दोस्तों। ये देखो दोस्तों, ETF का नाम है निफ्टी का IT ETF है, निपोन इंडिया ETF। निफ्टी IT को रिप्रेजेंट करता है। और दोस्तों, ये निफ्टी IT की जो टॉप कंपनियां हैं उनके हिसाब से, ये उनके ग्रोथ के हिसाब से ये कंपनी, ये ETF वर्क करता है, उसकी मूवमेंट होती है। फिलहाल 39.09 के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है, और ये रियल टाइम ट्रेड होता है दोस्तों। आप कभी भी इसको रियल टाइम टाइम पे, जैसे स्टॉक को आपको बाई सेल करते हो, ऐसे इसको भी आप कर पाएंगे। और दोस्तों, ये 2 दिन पहले ये 40 के ऊपर ट्रेड कर रहा था, बट मुझे लगता है कि IT में थोड़ा डिप आ सकता है, क्योंकि वैल्यूशन काफ़ी हाई हो गया है। थोड़ा सेलिंग प्रेशर रहेगा, और कुछ पॉइंट्स इसमें भी कम हो सकते हैं। ज़्यादा कोई इतना डिप इसमें आ नहीं सकता है दोस्तों, क्योंकि ये बहुत ही बैलेंस रहता है। और ETF का जो है प्राइस, वो भी काफ़ी कम है, तो ज़्यादा इसमें गिरावट आ नहीं सकती है मेरे हिसाब से। फिर भी आप अपने हिसाब से थोड़ी रिसर्च और एनालिसिस कर लेना। और दोस्तों, ये लॉन्ग टर्म में इतना ज़बरदस्त आपको ग्रोथ दे सकता है। अभी फ़िलहाल तो देखो दोस्तों, इसने परफॉर्मेंस तो अच्छा ही दिया है। 6 मंथ में 34% दिया है, और मैक्स देखे अपन तो 154% है। और ये काफ़ी पुराना नहीं है दोस्तों, ये जुलाई 2020 का ये ETF है। और दोस्तों, मैं ये नहीं आपको बता रहा हूँ कि आपको 2000% और 5000% का रिटर्न देगा, बट एक सेफ इन्वेस्टमेंट है, जो कि आप अपने हिसाब से बहुत ही अच्छा एक इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, और कम अमाउंट है इसका, तो आप हमेशा इसमें थोड़ी थोड़ी अमाउंट ऐड करके आपके ETF को क्वांटिटी आप बढ़ा सकते हो। चलो इसके चार्ट पे दोस्तों थोड़ा देख लेते हैं। देखो, ये है इसका दोस्तों स्क्रिप्ट नेम है नेटफिट, निफ्टी IT का ETF है, बराबर दोस्तों। और मैंने जैसे आपको बताया था कि ये 40 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा था 2 दिन पहले, तो यहाँ पे इसका हाई अपन देख लेते तो लगभग 40.40 के आसपास था, और यहाँ पे ये लगभग 39 के आसपास आ चुका है, तो लगभग 1 रुपये तक की गिरावट इसमें हो चुकी है। और भी मुझे लगता है कि इसमें 1-1.5 रुपये की गिरावट और हो सकती है आने वाले कुछ दिनों में। और दोस्तों, इसका एक स्ट्रांग सपोर्ट है 36 के आसपास। अगर IT में प्रेशर रहेगा, सेलिंग प्रेशर, और कुछ गिरावट भी हो सकती है, तो 36 रुपये के आसपास का इसका एक सपोर्ट है। मुझे लगता है कि उससे नीचे अभी फ़िलहाल तो ये नहीं दिख रहा है कि उससे नीचे जाएगा, और काफ़ी अच्छा है। आप चाहो तो थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी इसमें ऐड कर सकते हो। बाकी दोस्तों, इसका चार्ट देखो कितना ग्रोइंग चार्ट है। देखो नीचे से, देखो दोस्तों यहाँ से ये पूरा एक यहाँ से एकदम ऊपर की तरफ गया है, फिर थोड़ा स्टेबल हुआ, फिर ऊपर गया, फिर थोड़ा यहाँ पे स्टेबल हुआ यहाँ तक, फिर ऊपर गया, फिर थोड़ा सा स्टेबल हुआ, फिर देखो कितनी लंबी छलांग है, फिर थोड़ा स्टेबल हुआ, फिर ऊपर गया, यहाँ पे फिर थोड़ा स्टेबल होगा या थोड़ा बहुत नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा। और दोस्तों, आने वाला सेक्टर जो है वो है बेस्ट IT,
ईवी, एनर्जी और भी दोस्तों दो चार ऐसे सेक्टर है जो आपको काफ़ी अच्छा और काफ़ी बेहतरीन रिटर्न दे सकता है। बाद में इसके बारे में अपन डीपली किसी दिन एक वीडियो बनाऊंगा सेपरेटली, तब हम इसके बारे में बात करेंगे। और आज हम देख लेते हैं कि इसमें कौन से स्टॉक इन्वॉल्व हैं इस ETF में, चलो उसको थोड़ा देख लेते हैं। सो दोस्तों देखिए यहाँ पे ये मैंने इसका जो 10 कंपनियों है इसमें IT की, जिसमें देखिए दोस्तों पहले नंबर पे है इन्फोसिस है जो कि IT की बहुत ही बढ़िया कंपनी है। उसने टोटल उसकी होल्डिंग है 27.42% है। TCS है टाटा कंसल्टेंसी, उसकी भी 24.51 की वेटेज है इसमें। और टेक महिंद्रा है जो कि काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है इसने भी, उसकी भी ऑलमोस्ट 10% के आसपास है, 9.92% है। विप्रो है जो कि उसकी भी 9.19% है। HCL टेक्नोलॉजी है, उसकी भी 8.29% की होल्डिंग है। और L&T इन्फोटेक है जिसकी 5.75% है। और माइंडट्री है 5.15%, एम्फेसिस है 4.42%, L&T टेक्नोलॉजी सर्विस है 2.68%, कोफोर्ज है 2.63%। ये काफ़ी ज़बरदस्त दोस्तों कंपनियां हैं और ये काफ़ी बेहतरीन आपको रिटर्न दे सकता है। अगर आप डायरेक्ट इन स्टॉक में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, अगर आपके पास अच्छी खासी अमाउंट है तो, अगर आपके पास अमाउंट कम है तो आप इसमें भी ETF में भी थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट करके आप अच्छा सा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। और दोस्तों आप SIP के थ्रू कर सकते हो या हर डिप में जैसे 25-50 पैसे या 1 रुपया जब डीप आए तो आप उसमें, और 50 पैसा 1 रुपया डीप आए तो आप उसमें और क्वांटिटी ऐड कर सकते हो। ये काफ़ी एक अच्छी स्ट्रेटेजी रहेगी आपकी, जो हर 50 पैसे से लेके 1 रुपये के आसपास की गिरावट में आप कुछ क्वांटिटी ऐड करते रहो, जिससे कि आपकी एक वेल्थ क्रिएट होगी, एक आपका पोर्टफोलियो बिल्डअप होगा, एक आपकी इसकी क्वांटिटी इंक्रीज होती रहेगी। और जब ये परफॉर्मेंस अच्छा देगा और भी अपने हाई पे जाएगा तो आपके पोर्टफोलियो में आपको एक अच्छा बेहतरीन रिटर्न इसमें दिखेगा। सो आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम ऐसी कोई एक इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ।